हेलो गाइस, मैं सूरज राज और आज आपके नए वीडियो के साथ आया दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए जो यूपी पुलिस की बात करने वाले हैं तो एक नया नोटिस आया है, वो आपको बता दूं क्या क्या नोटिस में बताया गया है, पूरी जानकारी दी जाएगी तो आपको लास्ट तक वीडियो बने रहना है। देखिए यूपी पुलिस से कोई भी रिलेटेड सबसे पहले जो अपडेट आती है वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पर आपको मिल जाती है, ठीक है ना। तो प्लीज़ यार अभी इसी वक्त लाल बटन का जो आपको दिख रहा है सब्सक्राइबर का बटन, उस पर टच करिए और साथ में घंटी का दबा दो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। देखिए जो भी स्टूडेंट हैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं एक्चुअली, और उनकी रनिंग की बात की जाए, ठीक है ना, शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात की जाए, तो यहाँ कह रहा है कि मुख्य समय सूचना है वो यहाँ कुछ जो बात की जा रही है वो आज की सूचना है, 7 तारीख है, तो आज की सूचना अपडेट अभी हाल ही में अपडेट आई है। तो वर्षा के कारण क्या है जो रनिंग थी उनको क्या है पुनर्निर्धारित तिथि द्वारा कर दी गई, मतलब कि अब इसकी डेट है वो अगले बढ़ा दी गई है, क्योंकि वर्षा हो गई तो वो जो फील्ड में था ना जो रेस होती है वहाँ पर पानी हो गया है, ठीक है ना, वो पानी हो गया तो दौड़ तो सकते नहीं आप, तो उसके लिए क्या किया है वो सुखा के के बाद ही होगा, तो उनका डेट भी दे रखी है, उन्हें 2 दिन अगले बढ़ा दिया गया। तो देख लेते हैं क्या है, जिनकी रेस 5 और 6 तारीख को थी, 5 और 6 तारीख को थी उनकी बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ कह रहा है विषयक बोर्ड की संख्या सूचना, ठीक है, और 19/12 सूचित किया जाता है, क्रम सूचित किया जाता है कि जो 19/12 से स्टार्टिंग हो गई थी जो रनिंग वनिंग और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारे में उसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। और यहाँ कह रहा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस जैसे PSC और सिविल की बात की जा रही है, कांस्टेबलों के पदों पर सीधी भर्ती 2 अक्टूबर 2018 के अंतर्गत 5 जनवरी, देखिए 5 जनवरी और 6 जनवरी को वर्षा के कारण 2 परीक्षा केंद्र पर जो रनिंग की है जो शारीरिक दक्षता परीक्षा थी वो पुनर्निर्धारित की गई है, ठीक है ना, 2 जगहों पर। कौन कौन सी जगहों पर मैं बात कर दूँ, कानपुर और गोरखपुर की, देख ले सकते हैं आप 26-27 के जो है 5 और 6 देख सकते हैं आप, 5 को 9 तारीख को होगी, 8 तारीख को होगी, ठीक है ना, और ये होगी तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान विधि से। देखिए यहाँ कह रहा है कि 6 भी, देखिए यहाँ कह रहा है 26 भी जो PSC की गोरखपुर में जो भर्ती होनी थी मतलब 5 तारीख को, लेकिन आप उसका क्या कर देगा उसे 9 तारीख को होगी, ठीक है ना, 5 तारीख को, क्योंकि वहाँ पानी भर गया, बारिश हो गई काफ़ी है ना, तो इस वजह से क्या है ग्राउंड में पानी हो गया है, कींच हो गई है, तो वहाँ स्टूडेंट है जो एक्चुअली युवाएँ हैं, ठीक है ना, तो वो कैंडिडेट हैं मतलब वहाँ दौड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने उसकी रेस अब कैंसिल कर दी गई, 9 तारीख को आपको जाना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में जिसकी 37B के कानून जो कानपुर में थी, जो कानपुर में हो रही थी वो 5 तारीख को थी, उनकी भी हटा दी गई है और 8 तारीख को होगी, उनकी 8 तारीख को 1 बजे से, ठीक है ना, 1 PM शिफ्ट वाले होंगी केवल पुरुष वालों की। उसके बाद में बात करें, ये देखिए बात करें तीसरा वो गया 26B, ये भी आपका गोरखपुर में है, ठीक है ना, तो इनका भी जो जिसका 6 तारीख को था उनका 10 तारीख को कर दिया गया है, उनका 10 तारीख को कर दिया गया है। और जिसका देखिए उसके बाद में नेक्स्ट देखो, जिसका 6 तारीख को था कानपुर में, जिसका 6 तारीख को था उनका भी 9 तारीख को कर दिया गया, याद रखना जो कानपुर गोरखपुर का जो 6 तारीख को था वो 9 तारीख को होगा, जो 5 तारीख को था, ठीक है ना, गोरखपुर का वो भी 9 तारीख को होगा, और कानपुर का जो 5 तारीख को था वो 8 तारीख को होगा, और गोरखपुर का जो 6 तारीख को था वो 10 तारीख को होगा, ठीक है ना, ये शिफ्ट थी। उसके बाद में देखिए ये जान रहा हूँ कि अभी हाल ही में 7 तारीख की अपडेट है, हाल ही में भी आई है, तो जो भी स्टूडेंट है वो परेशान ना हो, इस तारीख को जाने की कोशिश ना करें, ठीक है ना, वो नेक्स्ट डे को जाएं। उसके बाद में यहाँ देखो मैं आपको कुछ और जानकारी दे देता हूँ, यहाँ देखो 2 सितंबर में जाइए, और यहाँ कह रहा है जो अभ्यर्थी शिक्षक दक्षता परीक्षा थी जो जिनकी रनिंग होनी थी, ठीक है ना, उनके हेतु प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशांक को अनुपालन करते हुए पुनर्निर्धारित तिथि नियत समय और स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ठीक है ना, इस तारीख को आपको 8, 9 और 10 तारीख को जो चुनी गई है उनको आपको वहाँ पहुँचना है, और ये निश्चित हो गया है, ठीक है ना, आपको वहाँ पहुँचना सुनिश्चित है। उसके बाद में जो पुनर्निर्धारित तिथि है, और यदि बारिश नहीं होती है तो बारिश होती है तो शायद आपको कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पर आपको मिल जाती है, तो अभी इसी वक्त पेपर हैकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसका जो वेबसाइट पर भी लिंक दे रखा है तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी आप हमारे UPP के सोर्स ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, थैंक यू।